तो आज हम बात करने वाले टेक्निकल योगी सर के मीटर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, सेंट्रल पार्क में संडे को 2 बजे टेक्निकल योगी सर का मीटिंग था, जिसमें हो गया था टेक्निकल योगी सर से और किसी और व्यक्ति से हो गया था लड़ाई। दो अपने सबसे पहले आप इस वीडियो का क्लिप देख लो। दोस्तों आपको पता है, जिस क्लिप आपने देख ली है, टेक्निकल योगी सर के मीटअप में हो गया था लड़ाई। ये लड़ाई क्यों हुआ था, टेक्निकल योगी सर ने क्या गलती किया था, या फिर जो भी इतने लड़ाई की थी उनसे गलती हुआ है, सारे इस वीडियो में सारे डिस्कस करने वाला हूँ इसी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, यहाँ पे सारी बात यहाँ पे पता चल जाएगा क्यों ऐसा लड़ाई हुआ था। आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, टेक्निकल योगी सर का 2 बजे संडे को मीटअप था सेंट्रल पार्क में। टेक्निकल योगी सर ने 30 मिनट लेट आया था। लेट आने के कारण पब्लिक पे वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुका था। बेट कूल टैक यानी कि विशाल भाई आए हुए थे, काफ़ी यूट्यूबर वहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे विशाल भाई से, वहाँ क्वेश्चन के आंसर दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी लेट हो चुका था, इस पर नहीं आया था। इसके बाद जब आए तो काफ़ी भीड़ हो चुका था वहाँ पे, और इसके बाद जब मीटअप के लिए स्टार्ट हो गया, टेक्निकल योगी सर से कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उस क्वेश्चन के आंसर दिया जा रहा था। टेक्निकल इकरार भाई भी आए हुए थे, बहुत सारे यूट्यूबर आए हुए थे जो यूट्यूब पर ब्लॉग बनाने के लिए, कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, सारा डाउट क्लियर करने के लिए आए हुए थे। लेकिन इसी बीच में एक ऐसा व्यक्ति आया जो फ्रैंक वीडियो बनाता है, उसे ज़बरदस्ती काला पकड़ कर लेके जा रहा था, चलो हमारे साथ एक फ्रैंक वीडियो बना दो। लेकिन वहाँ पर टेक्निकल योगी सर नहीं जा रहे थे। इसी के बीच में कुछ बहस हो गए, लड़ाई होने की समस्या खड़ा हो चुका था, और बहुत सारे यूट्यूबर्स जिससे बात कर रहे थे उस बीच में आ गया था। तो क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो ये आप लोग जो भी यूट्यूबर होते, किसी के मीटअप पर जाते हो, तो ऐसा गलती आप लोग मत करना भाई। लेकिन किसी तरह से उसे समझाया गया, तो बाद में वो समझा, इसके बाद फिर से मीटअप स्टार्ट हो गया था।